हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में करा था डाइजेशन इन ह्यूमंस, और वो बहुत बड़ा टॉपिक था, तो इसलिए हमने उसको बेसिकली डिफरेंट सब टॉपिक्स में डिवाइड कर लिया था। तो आज हम उसी का आगे करेंगे और सब टॉपिक्स करेंगे पर। और अगर आपने मेरे भी प्रीवियस लेक्चर का वीडियो नहीं देखा तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप देख लीजिएगा। और ये वीडियो देखने से पहले आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे चैनल की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का सब टॉपिक। पर उससे पहले आपका ये एनसीईआरटी में एक ब्लू बॉक्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इससे आपके एग्जाम में हर बार एमसीक्यूज मैक्सिमम 2 मार्कर्स तो इससे आएगा ही, तो बेसिकली समझ लीजिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए इसमें है क्या, आइए जानते हैं। तो इसमें द वर्किंग ऑफ द स्टमक वाज डिस्कवर्ड बाय अ स्ट्रेंज इंसिडेंट इन 1822। अ मैन नेम्ड एलेक्सिस सेंट मार्टिन वाज बैडली हिट बाय अ शॉटगन। तो बेसिकली 1822 की बात हो रही है जिसमें एक मैन था एलेक्सिस सेंट मार्टिन हु वाज बैडली हिट बाय अ शॉटगन। तो उसे एक गोली लग गई थी। The bullet had seriously damaged the chest wall and made a hole in his stomach. जिसकी वजह से उसके स्टमक में एक होल बन गया था, जैसे इस डायग्राम में दिख रहा है ऐसे। He was brought to an American army doctor William Berman. तो एक अमेरिकन आर्मी डॉक्टर थे विलियम बर्मन, ठीक है, ये बहुत फेमस डॉक्टर थे उस समय के। The doctor saved the patient, but he could not close the hole properly and left it bandaged. तो basically क्या था, तब के समय में, इतने साल पुराने की बात है, तो तब के समय में इतने सारे essentials और इतने सारे equipments नहीं थे कि वो घाव भर सके। और वैसे भी वो घाव बहुत खराब हो चुका था, बहुत damaged हो गया था वो hole। तो पर उन्होंने उनकी उसकी जान बचा ली, ठीक है। Berman took it as an opportunity to see the inside of the stomach through the hole. तो उन्होंने ये टाइम वेस्ट ना करके उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसके स्टमक, क्योंकि इस होल से, अब वो होल तो भर नहीं सकता था, अब इस होल से उसको उसका स्टमक देखा जाए कि एक स्टमक कैसे वर्क करता है। So he made some wonderful observation. तो आइए जानते कौन सी observations थी उनकी। तो उन्होंने करा था, Berman found that the stomach was churning food. Churning food मतलब mixing कर रहा था। आगे क्या है? Its wall secreted a fluid which could digest the food. Basically हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि हर organ stomach से लेकर हर organ एक digestive juice secrete करता है food को digest होने में। हमने पढ़ा था कि स्टमक कौन कौन से करता है, उसमें HCL प्रेजेंट होता है, म्यूकस की लेयर होती है, और अलग अलग डाइजेस्टिव जूसेस भी सिक्रीट करता है। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो लेक्चर जाके देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा। तो ही ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द एंड ऑफ द स्टमक ओपन इन टू द इंटेस्टाइन ओनली आफ्टर द डाइजेशन ऑफ द फूड इन साइड द स्टमक इज कम्प्लीटेड। तो बेसिकली इसमें क्या है, क्या रहे बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये ऑब्जर्व करा, जब तक फूड जो स्टमक में प्रेजेंट है पूरा एब्जॉर्ब नहीं कर लेता स्टमक, वो उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने नहीं दिया। मतलब बेसिकली सारा फूड पहले स्टमक में ऑब्जर्व करेगा, फिर स्टमक के एंड में एक होल होता है जो तब तक नहीं खुलता जब तक सारा फूड एब्जॉर्ब नहीं करता, स्टमक अलाउ नहीं करता फूड को आगे जाने में। तो ये ऐसा प्रोसेस है। सो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, आई होप आपको समझ आ गया होगा, और मैं आपके लिए इजीली मार्क करके भी बता देती हूँ अलग कलर से, पहले हटा देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि एग्जाम में कैसे तरीके से आता है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सो इसमें क्या क्या आ सकता है, पहले आ सकता है 1822, कौन सी ईयर में स्टमक की वर्किंग डिस्कवर हुई, वो थी 1822। इसको मैं बॉक्स से मार्क कर देती हूँ। और स्पेशली मैन का नेम हर बार पूछते हैं जिसका नाम है एलेक्सिस सेंट मार्टिन। क्या नाम है इसका, एलेक्सिस सेंट मार्टिन। Who was badly hit by shotgun? Shotgun से hit हुए थे। तो इसके बाद ये आता है अमेरिकन आर्मी डॉक्टर जिसका नाम, जिनका नाम था, वो था विलियम बर्मन। इसको भी अच्छे से करती है, ये सब आप नोट कर लीजिएगा, ऐसा
मेन पॉइंट्स या फिर फिलअप्स के तौर पे, और फिर इसके बाद आता है 2 मार्कर्स में आपके ऑब्जर्वेशन, 2 या 1 मार्कर में आ जाता है ये। फिर इसमें ऑब्जर्वेशन क्या थी, बर्मन फाउंड दैट द स्टमक वाज चर्निंग फूड, मतलब मिक्स कर रहा था। सेकेंड पॉइंट हो जाएगा इट्स वॉल सिक्रेटेड अ फ्लूइड विच कुड डाइजेस्ट द फूड, ये सेकेंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट ही ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द एंड ऑफ द स्टमक ओपन इन टू द इंटेस्टाइन ओनली आफ्टर द डाइजेशन ऑफ द फूड इन साइड द स्टमक इज कम्प्लीटली, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और लिखना जरूरी है, क्योंकि ये 2 पॉइंट्स तो हम पढ़ चुके हैं स्टमक में कि वो चर्न करता है और वो फ्लूइड डाइजेस्ट करता है, पर हमने हमारे लिए अभी तक ये नया ऑब्जर्वेशन है कि स्टमक अपना फूड जो स्टमक है फूड को तब तक अलाउ नहीं करता इंटेस्टाइन में पास होने से जब तक वो पूरा उसके जूसेस एब्जॉर्ब नहीं कर लेता। तो आई होप आपको परफेक्टली समझ आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे आता है स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। तो ये है कि जो स्टमक है वो एब्जॉर्ब होके फूड को एब्जॉर्ब करके अब सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। तो क्या है, द स्टमक इज हाईली कॉइल्ड एंड इज अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग, ये आपका फिलअप आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। क्या है, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड एंड इज अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग, 7.5 मीटर लॉन्ग है स्मॉल इंटेस्टाइन। इट रिसीव सिक्रीशंस फ्रॉम द लिवर एंड द पैनक्रियाज, बिसाइड्स इट्स वॉल ऑल्सो सिक्रीट्स जूसेस। तो बेसिकली मैंने बताया था कि हर ऑर्गन, पिछले लेक्चर में, कि हर ऑर्गन अपने जूसेस सिक्रीट करता है। तो बेसिकली जो लिवर और पैनक्रियाज अपने जूस सिक्रीट करते हैं वो डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं ताकि फूड इजिली डाइजेस्ट हो सके। और इन इसके अलावा भी जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स है वो अपना भी जूसेस सिक्रीट करती है ताकि जल्दी एब्जॉर्प्शन हो सके। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अब आता है, द लिवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल ऑन द राइट साइड। सो बेसिकली अब आता है लिवर के बारे में, जो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड मानी जाती है हमारी बॉडी की, और इसको मैं इजिली आपका फिलअप आएगा तो इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन अ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, सो तो लिवर बेसिकली है क्या, तो आप ये डायग्राम देख रहे हो तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई और इसी के जस्ट राइट साइड में ये लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी की जो है लिवर। तो लिवर में बेसिकली लिवर सिक्रीट करता है बाइल जूस, उसके अंदर एक सैक जैसे यहाँ पे प्रेजेंट होता है छोटा सा जिसे कहते हैं गॉल ब्लैडर, और इस गॉल ब्लैडर में प्रेजेंट होता है एक सैक जैसा जो सिक्रीट करता है बाइल जूस, है ना। तो वो सिक्रीट करता है बाइल जूस। द पाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ द फैट्स, और ये पाइल हेल्प करता है, जैसे हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि स्टमक में जो डाइजेस्टिव जूसेस होता है हाइड्रोक्लोरिक, वो प्रोटीन्स को हेल्प करता है, जो फूड में प्रोटीन्स होता है उनको ब्रेक डाउन करता है। ऐसे बाइल्स का, बाइल जूस का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि वो फैट्स के डाइजेशन में हेल्प करता है, फैट्स को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। सो ये आपके बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है। बेसिकली स्टमक के बाद से आपका जो भी पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें आपके लिए एक नए नए वर्ड है जो आपको समझने में टाइम लगेगा, तो इसलिए इसे अच्छे से करिएगा। सो यही आगे, इट सिक्रीट्स बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर एंड द बाइल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स, ये भी मैं हाईलाइट कर देती ताकि आपके लिए इजी हो। जो बाइल है वो डाइजेशन ऑफ फैट्स के लिए हेल्प करता है। तो ये है आपका पूरा, ये इस वीडियो को आप जितनी बार रिवाइंड करके देखेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि उतने अच्छे से समझ में आएगा। पर इससे मेन इंपॉर्टेंट बात होती है कि आप खुद से अपना रिवीजन करें। अगर वीडियो देखने के बाद अगर आप रिवीजन नहीं करते तो इन सब का कोई फायदा नहीं होता। आप मेरे नोट्स और अपने नोट्स सेपरेटली बनाएं ताकि आपके लिए इजी हो एग्जाम टाइम में ये सब चीजों को इजीली करना, क्योंकि एग्जाम टाइम पे बहुत प्रेशर होता है, सब कुछ याद करना बहुत मुश्किल होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आता है पैनक्रियास के बारे में, ये भी हमने पढ़ा था अभी कि लिवर और पैनक्रियास दोनों सिक्रीट करती है। सो इसमें है, द पैनक्रियास इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स प्रोटीन्स एंड चेंज देम इनटू सिंपलर फॉर्म्स।
तो इसमें भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। तो बेसिकली आपने डायग्राम देख रहे होगे ये वाला। हमने पढ़ा ये लिवर हो गया, लिवर के जस्ट नीचे एक प्रेजेंट होता है, इसे कहते हैं पैनक्रियास। इस डायग्राम में देखिए आपके लिए इजी होगा क्योंकि वो साइड व्यू है। इसमें देखिए ये लिवर हो गया लार्जेस्ट ह्यूमन ग्लैंड, और इसी के जस्ट अटैच होता है पैनक्रियास। ठीक है, ये पैनक्रियास अटैच होती है और यहाँ से आपके पूरे इंटेस्टाइन कनेक्टेड होती है। बेसिकली अब इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, चलिए हाईलाइट करते हैं इसे भी। इसमें क्या आता है, द पैनक्रियास इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड। क्या है ये, लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड, एंड द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रही हूँ आपको कि याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करिएगा। कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स एंड प्रोटीन्स एंड चेंज देम इनटू सिंपलर फॉर्म्स, सिंपलर फॉर्म्स में चेंज करता है। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, जो पैनक्रियास है लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड होती है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे आप अपनी उंगलियों में इसको अच्छे से याद रख पाएंगे कि पैनक्रियास क्या होती है, एक लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड होता है। पैनक्रियाटिक जो पैनक्रियास है ऑब्वियसली पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करती है ना, और वो एक्ट करती है कार्बोहाइड्रेट फैट्स प्रोटीन्स। प्रोटीन्स और फैट्स आपको याद है क्योंकि स्टमक और उसमें अपना लिवर में यही एक्ट करते हैं, बस आपको कार्बोहाइड्रेट याद रखना है। बेसिकली इसको याद करने का इजी तरीका बताती हूँ। स्टमक में होता है आपका प्रोटीन्स को चेंज करते हैं सिंपलर फॉर्म्स में, फिर जो लिवर से जूस निकलता है वो क्या करता है, फैट्स पे एक्ट करता है, और फिर जो पैनक्रियाटिक जूस होता है वो तीनों पे करता है। बस आपको कार्बोहाइड्रेट दिमाग में याद रखना है, बाकी सब आपको याद हो जाएंगे अपने आप ही। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आता है द पार्टली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेस द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो बेसिकली अभी तक फूड जहाँ पे था वो अपर पार्ट में था, क्योंकि अपर पार्ट में जूसेस सिक्रीट होना ज्यादा आसान होता है, तो अब वो डाउन पार्ट लोअर पार्ट में जा रहा है बेसिकली। वेयर द इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। द कार्बोहाइड्रेट्स गेट ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर सच एज ग्लूकोज, फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल इनटू प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो इसमें क्या बोला जा रहा है, जो फूड है पार्शली डाइजेस्टेड, फुल डाइजेस्टेड नहीं है पार्शली है, वो अब लोअर पार्ट में जा रहे स्मॉल इंटेस्टाइन के, जहाँ पे इंटेस्टाइनल जूस अपना जो डाइजेशन है वो कंप्लीट करता है सारे फूड के कंपोनेंट से। जैसे जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो सिंपल शुगर में, सिंपल शुगर्स में ब्रेक होता है, सच एज जो कि उसमें एग्जांपल होते हैं सिंपल शुगर्स में ग्लूकोज, फैट्स जो हो गए फैटी एसिड्स में हो गए, ग्लिसरॉल हो गए एंड प्रोटीन्स हो गए अमीनो एसिड्स में। तो इसको इजीली अच्छे से याद करिएगा। तो बेसिकली इसको हाईलाइट करते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं गेट ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर्स सच एज ग्लूकोज, फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स एंड प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड्स। सो इसमें ये लाइन इंपॉर्टेंट है, अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा और हाईलाइट करेगा कि ये इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखना। बेसिकली सब कुछ याद करने वाली चीजें, अगर आपने याद अच्छे से और समझ लिया ना तो आप अपने आप लिख पाएंगे। तो बेसिकली इस वीडियो को जितनी बार देखें तो उतना अच्छा होगा आपके लिए। तो आगे बढ़ते हैं। सो अब आता है एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब बेसिकली होता क्या है, नीचे लोअर पार्ट में एब्जॉर्ब कैसे होता है, द डाइजेस्टिव फूड कैन नाउ पास इनटू ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। जैसे हमने पीछे इंजेक्शन पढ़ा था स्टार्टिंग में कि हम जब फूड अपनी बॉडी में डालते हैं तो उसे इंजेशन कहते हैं, तो ऐसी जब डाइजेस्टेड फूड होता है वो जब वॉल ऑफ इंटेस्टाइन में आता है और उधर एब्जॉर्ब होता है तो उसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है, द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ, दीज आर कॉल्ड विलाय सिंगुलर विलस। तो ये आपके लिए नया वर्ड है, इसे कहते हैं विलाय। ऐसे ये बेसिकली ऐसा ही होता है, ऐसी हमारे इंटेस्टाइन बेसिकली ऐसे इंटेस्टाइन एकदम सिलेंड्रिकल शेप में होता है रूप जैसा, तो उसके अंदर वॉल्स में प्रेजेंट होते हैं, ये ऐसे फिंगर लाइक होते हैं। आपको अजीब लग रहा होगा पर ये ऐसे होते हैं क्योंकि ऐसे इन लोगों के लिए इनमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इनकी सरफेस पे इनकी जो ग्राउंड है इनके इसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं,
जो एब्जॉर्प्शन बहुत इजी कर देते हैं, ठीक है। तो ये कौन करता है? रिलायंट। ये डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, इसको हम मार्क कर लेते हैं। ये है द इनर वॉल ऑफ द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक ग्रोथ्स और जिन्हें कहते हैं विलायत। इसको भी लिख लीजिएगा अच्छे से। कभी कभी इसमें विलायत की जगह विलस भी पूछ सकते हैं, पर उसमें कंफ्यूजन नहीं होना, बेसिकली सिंगल वर्ड फॉर्म है उसका, तो उसमें आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। तो इसमें आगे आते हैं, द विलाय इंक्रीज द सर्फेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टिव फूड। ईच विलस हैज अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सर्फेस। द सर्फेस ऑफ द विलाय एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड मटीरियल। तो बेसिकली विलाय, ये आपका फिलअप आ सकता है, डैश इंक्रीज द सर्फेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टिव फूड। आंसर इज विलाय। तो बेसिकली जो ईच विलाय इस डायग्राम में देखिए, वो एक नेटवर्क से प्रेजेंट होती है, उनमें वेसल्स होती हैं जो हेल्प करता है सरफेस एरिया ज्यादा करने में, और इजीली जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब हो सकते हैं। जैसे ही फूड इधर इस सरफेस पे टच करेगा, वो तुरंत उसे एब्जॉर्ब कर लेंगे और फिर वो ब्लड वेसल्स के थ्रू बाकी बॉडी पार्ट्स में भी चला जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सो इसमें आप आगे आते थे, सर्फेस ऑफ विलाय एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स। द एब्जॉर्ब्ड फूड सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड वाया द ब्लड वेसल्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी where they are used to build complex substances such as proteins required by the body. This is called assimilation. हमने अभी जैसे पढ़ा था absorption, ऐसी एक आता है assimilation. तो basically है क्या है? जो surface villi का होता है वो absorb करता है digestive food materials, हम सब जानते हैं। और जो ये एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस है वो मैंने बताया था कि ब्लड वेसल जो प्रेजेंट होता है उसके थ्रू बाकी बॉडी पार्ट्स को भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, तो उसके थ्रू वो चले जाते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स की तरफ जो इंटेस्टाइन के रीच में नहीं हो सकते, तो इसलिए वो ब्लड वेसल्स के थ्रू उनको न्यूट्रिशन मिलता है। और वो हेल्प करता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बिल्ड करने में, जो सच एज प्रोटीन्स। प्रोटीन्स हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमें एनर्जी सब प्रोवाइड करता है, इसलिए हमारी बॉडी को उसको प्रोड्यूस करने के लिए बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी को कहते हैं एसिमिलेशन। ये भी आप याद कर लीजिएगा कि एसिमिलेशन किसको कहते हैं। सो बेसिकली इसकी सिंपल डेफिनेशन है दैट आर बॉडी रिक्वायर प्रोटीन्स टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज एसिमिलेशन। तो बेसिकली यही एक इसकी बेसिक, अगर आपको ये टफ लग रही है तो ये इसकी डेफिनेशन है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा तो फिर से रिवाइंड करके देखिएगा जब तक आपको समझ ना आए। सो अब आता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये हमारे ह्यूमन डाइजेशन का लास्ट टॉपिक, लास्ट स्टेज भी होता है। सो बेसिकली इसमें है क्या, द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। सो बेसिकली ये स्मॉल होती है एज कम्पेयर, ये शॉर्ट होती है एज कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ। ये 1.5 मीटर होती है लेंथ में। ये जो रेड कलर एरिया है ये आपके पूरा लार्ज इंटेस्टाइन है। इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम अनडाइजेस्टेड। तो बेसिकली इस इंटेस्टाइन में बेसिकली जो बचा कुचा, बेसिकली हम वेस्ट कह सकते हैं, जैसे हम कह सकते हैं जो वाटर वगैरह हो गया, जो अनडाइजेस्टेड फूड रह गया उसमें से सॉल्ट, उसमें से वाटर, वो सब जो भी हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी है वो सबको एब्जॉर्ब करने का ये फंक्शन होता है। तो इसको भी हम हाईलाइट कर लेते हैं और इसको भी आप लिख लीजिए अच्छे से कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। सो लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन यही होता है कि उसका काम होता है वाटर को एब्जॉर्ब करना और सॉल्ट्स को अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल से, मतलब जो डाइजेस्ट नहीं हो सकती। सो आगे बढ़ते हैं, तो इसमें आता है द रिमेनिंग वेस्ट पासेस इनटू द रेक्टम। रेक्टम एंड द रिमेन्स देयर एज अ सेमी सॉलिड फेसेस एंड द फेकल मैटर इज रिमूव थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम। दिस इज कॉल्ड इजेशन। तो इसमें बेसिकली कुछ नहीं है कि जो वेस्ट मटेरियल है उसे जो फैकल मैटर है जो वो सब रिमूव हो जाता है एनम और रेक्टम के जरिए। और ये भी
एक इम्पॉर्टेंट स्टेप प्रोसीजर है, सो इसको भी हम मार्क कर लेते हैं. द फैकल मैटर इज रिमूव थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड दिस इज कॉल्ड इजेशन. ठीक है, तो इसको भी अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा. सो बेसिकली इसके बाद हमारा अगर हम देखें तो स्टेप बाय स्टेप अगर हम चले माउथ से लेकर लार्ज इंटेस्टाइन तक, तो बेसिकली क्या क्या आता है. आता है हमारा इंजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन और इजेशन आखिर में. तो बेसिकली ये सारे ह्यूमन बॉडी के मेन बेसिक प्रोसेसेस हैं जो हर टाइम जब भी हम फूड कंज्यूम करते तब होता है. और ये आपके सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस भी हैं जो आपको याद करने के लिए जरूरत है, जो आपके वन मार्कर एग्जाम में पूछ सकते हैं, जो आपका कंबाइंड भी कभी कभी कंबाइंड क्वेश्चंस भी आते हैं 2-3 मार्कर्स के. और हाँ, ह्यूमन बॉडी का डायग्राम ड्रॉ करना मत भूलिएगा, स्पेशली अगर आपका क्वेश्चन है 3-5 मार्कर्स का, क्योंकि टीचरें बहुत फिर मार्क्स आपके कट हो सकते हैं. तो इसलिए आप डायग्राम भी जरूर बना के आइएगा. डायग्राम्स की इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप करिएगा. तो बेसिकली आज हमारा पूरा लार्ज इंटेस्टाइन मतलब डाइजेशन इन ह्यूमंस कंप्लीट हो गया है. और इसलिए आज का लेक्चर बस इतना ही है, ताकि आप इजीली जो मैंने पढ़ाया उसको रिव्यू कर सके. और जब तक आप उसे रिव्यू नहीं करेंगे तब तक आप वो समझ भी नहीं पाएंगे. नोट्स बनाइए, जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं करिए, इस चैप्टर के सारे एमसीक्यूज करिए, क्योंकि इस चैप्टर से अनलिमिटेड इनफाइनाइट एमसीक्यूज बन सकते हैं. कैसे भी करके टीचर्स पूछ सकती है आपके एग्जाम्स में, तो आपको इस चैप्टर को करने के लिए बहुत जरूरी है. और मेरी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू. सो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. सो आज के लिए बस इतना ही. अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग.